उज्जैन में तेज आंधी तूफान के कारण महाकाल लोक की मूर्तियां गिर गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को इनका लोकार्पण किया था। यहां सप्तऋषियों की 6 मूर्तियां गिरकर खंडित हुई हैं। 10 से 25 फीट ऊंची ये मूर्तियां लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी थीं। इन पर गुजरात की एमपी बाबरिया फर्म से जुड़े गुजरात, ओडिशा और राजस्थान के कलाकारों ने कारीगरी की है। इस पूरे महाकाल लोक के पहले फेज में 800 करोड़ रुपए के करीब खर्च आया था। महालोक के निर्माण के साथ ही इसमें लगाई गई मूर्तियों की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। मूर्ति गिरने की खबर लगते ही कांग्रेस के नेता महाकाल लोक पहुंचे। गौरतलब है कि महाकाल लोक का निर्माण साल 2011 में पूरा हुआ था और पीएम नरेंद्र ने इसका लोकार्पण किया था। इसमें 190 से अधिक शिव परिवार की मूर्तियां लगी हैं। उज्जैन में महाकाल लोक की मूर्तियां गिरने के बाद उज्जैन कलेक्टर के साथ प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और महाकाल लोक में आए श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि तेज आंधी के चलते मूर्तियां गिरी हैं। यह मूर्तियां फाइबर और लाल पत्थर की बनी हुई हैं। फिलहाल मूर्तियों का रखरखाव कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। इन मूर्तियों की लाइफ करीब 10 साल है। जिलाधिकारी ने बताया कि क्रेन की मदद से इन मूर्तियों को दोबारा लगवाया जाएगा।